आज गुलबर्गा में हम लोग छह लोग ट्रस्टीज मिलके हम लोग एक सर्वस्थी ट्रस्ट बोल के हम एक साल पहले हमने वो मुहिम चालू किया था. उसमें हमारे मैं डॉक्टर किरण देशमुख, हमारे मज़हर आलम खान, फारूक हुसैन, प्रवीण पाटिल हरवाल, सिद्धार्थ कोरवार और राजवी जाने, ये सब लोग हम ट्रस्टीज़ हैं. और हम लोग गुलबर्गा के लिए ओवरऑल डेवलपमेंट और एम्प्लॉयबिलिटी ऑफ द यूथ्स और यूथ्स का जो टैलेंट्स है इन वेरियस फील्ड्स, वो स्पोर्ट्स हो या कल्चरल आर्ट्स लिटरेरी, या उनका स्किल डेवलप करना है, उनको एम्प्लॉयबल कैसे बनाना है, ये एक कॉन्सेप्ट लेके हम कलबुर्गी नेक्स्ट बोल के एक हमने एक ये मुहिम चालू किया है. तो इसके लिए हम फर्स्ट उसका स्पोर्ट से चालू करेंगे बोल के हम लोग रिसेंटली हमने डिसाइड किया है. और वो स्पोर्ट्स में अब तक हमारे जो इंफॉर्मेशन के मुताबिक स्कूल इंटर स्कूल कॉम्पिटिशन जो लेदर बॉल का और KSEA अप्रूव्ड इंटर स्कूल कॉम्पिटिशन आज तक गुलबर्गा में नहीं हुआ था. तो इसलिए हमने हमारे जो NV जिमखाना क्लब है और हमारे साथी जो जयभीम धरगी है और हमारे जोशी सर है जो NV जिमखाना के सेक्रेटरी है और जयभीम धरगी जो कोच है, तो इनको इनके साथ मिलके हम ये टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज कर रहे हैं. तो ये टूर्नामेंट कल से चालू हो रहा है और कल सुबह 7 बजे इसका इनॉग्रेशन है और हमारे फॉर्मर मिनिस्टर और चितापुर के MLA श्री प्रियांक खरगे जी इसका इनॉग्रेशन करेंगे. उसके साथ फॉर्मर विजी क्रिकेट प्लेयर श्री मंजुनाथ हनगल जी, ये दोनों कल इसका इनॉग्रेशन करेंगे. और ये सिर्फ शुरुआत है, ये क्रिकेट से हम शुरुआत कर रहे हैं और आने वाले दिनों में हर एक या दो महीनों में हम स्पोर्ट्स हो या कल्चरल हो, आर्ट्स हो, लिटरेरी हो या कोई ना कोई इवेंट लेके हम करना बोल के हमारा इरादा है. जैसा कि अभी अभी हमारे डॉक्टर किरण देशमुख साहब ने सरस्वती फाउंडेशन के बारे में तमाम डिटेल आपको बताई है, मैं ज़्यादा डीप में वो सरस्वती फाउंडेशन में नहीं जाके कल के इवेंट के बारे में आपके सामने कुछ बातें बताना चाहता हूँ. कल जो टूर्नामेंट होने जा रहा है वो इंटर स्कूल क्रिकेट लेदर बॉल क्रिकेट टूर्नामेंट होने जा रहा है, जिसमें से गुलबर्गा के तमाम स्कूलों को हमने इनविटेशन दिया था, जिसमें से हम लोगों को वापस 12 टीम अप्रोच किए हैं और जिसके पास इसकी फैसिलिटीज़ है, जो लेदर बॉल खिला सकते हैं वही स्कूल वाले हम तक पहुंचे हैं. तो वो सिर्फ 12 टीमें हुए हैं. तो वो 12 टीमों को कल सुबह में हम यहाँ पर 7 बजे NV ग्राउंड में बुलाकर उन तमाम टीमों को यहाँ पर हमारे फाउंडेशन के तरफ से ड्रेस दिया जाएगा और उनको जो भी अगर उनके पास किट नहीं है तो वो प्रोवाइड किया जाएगा. उसके अलावा फाइनल 14th को रखा गया है, जिसमें हम फाइनल की प्राइज अमाउंट 30,000 विथ ट्रॉफी है और रनर अप की प्राइज अमाउंट 25,000 है और उसमें बेस्ट बॉलर जो रहेगा उसको 10,000 दिया जाएगा और बेस्ट बैट्समैन को 10,000 दिया जाएगा, बेस्ट ऑलराउंडर को 10,000 दिया जाएगा और हर मैच में एक उसको एक कॉन्सोलेशन भी प्राइस मैन ऑफ द मैच के ज़रिए से दिया जाएगा. और कल सुबह में हमारे गुलबर्गा डिस्ट्रिक्ट के एक्स मिनिस्टर चितापुर के MLA श्री प्रियांक खरगे जी आ रहे हैं और उनके साथ एक और क्रिकेटर जो मंजुनाथ आ रहे हैं. सुबह में 7:30 को ये इनॉग्रेशन किया जाएगा. आप तमाम लोगों से अपील है, आप तमाम लोग यहाँ पर आइए, आकर जो बच्चे छोटे छोटे बच्चे यहाँ पर जो खेलने आ रहे हैं उनको हौसला अफजाई कीजिए और कर गुलबर्गे का नाम रोशन करने के लिए एक प्लेटफॉर्म बनाने की कोशिश कर रहे हैं. आप हमारा भी साथ दीजिए और उन बच्चों का भी साथ दीजिए. श्रावस्ती ट्रस्ट गुलबर्गा जो कल से इन्विटेशनल इंटर स्कूल क्रिकेट टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज किए हैं, इसमें गुलबर्गा सिटी के 12 टीम पार्टिसिपेट करेंगे. ये टूर्नामेंट कर्नाटका स्टेट क्रिकेट एसोसिएशन से अप्रूव किया गया है. इसमें क्वालिफाइड अंपायर और क्वालिफाइड स्कोरर रहेंगे. जो स्टैंडर्ड
KCA सेट करा उसी स्टैंडर्ड में ये टूर्नामेंट किया जाएगा। बच्चों को श्रावस्ती ट्रस्ट के तरफ से ड्रेस दिया जाएगा, बॉल दिया जाएगा और जो भी फैसिलिटी टूर्नामेंट के लिए होना वो सब श्रावस्ती ट्रस्ट दिया जाएंगे। और जहाँ तक एनवी जिमखाना क्रिकेट विंग की सवाल है, जो भी टेक्निकल सपोर्ट है वो एनवी जिमखाना की तरफ से दिया जाएगा। और इस टूर्नामेंट्स में जो बच्चे अच्छे परफॉर्मेंस करेंगे, जो बच्चों के पास टैलेंट होगा, उनको आगे हम बेंगलोर में कोचिंग के लिए भेजेंगे। और गुलबर्गे में जो आगे कोचिंग कैंप कंडक्ट किया जाएगा उसमें फ्री ऑफ कॉस्ट में उनको ट्रेनिंग दिया जाएगा। और जो भी आगे टूर्नामेंट हो जाएंगे वहाँ उन बच्चों को एक्सपोज करने के लिए हम अच्छे टीम दूसरे तरफ भी उनको खेलने के लिए भेजेंगे। ये श्रावस्ती ट्रस्ट की तरफ से एक नया मुहिम चलाया गया है। ये ऐसा टूर्नामेंट शायद हमारे ज़माने में नहीं हुआ, ये आज के बच्चों के लिए बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है। इसके वजह से कल हमारे गुलबर्गे का नाम ये बच्चे रोशन करने का हमारे को विश्वास है। इसके लिए हम आपके तरफ आपके सहयोग से और इस गुलबर्गा सिटी के लोगों को अपील करते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं, गुलबर्गा के एनवी ग्राउंड में आइए, बच्चों का सपोर्ट कीजिए, उनका टैलेंट देखिए, उनको आपका सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। और जो ट्रस्ट किया जो काम कर रहे हैं उनको आपका सपोर्ट चाहिए।